जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया मेंस ग्रूमिंग किट के बारे में, वैसे ही अब हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स ग्रूमिंग किट यानी कि फीमेल ग्रूमिंग किट के बारे में। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे फीमेल ग्रूमिंग किट में क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं देव शुक्ला, आप देख रहे हैं ग्रूमिंग ग्रूमिंग, यहां पर आपको हेल्थ और ब्यूटी की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो जो फर्स्ट नंबर पे वुमेन्स ग्रूमिंग किट यानी कि फीमेल ग्रूमिंग किट में आता है वो है सोप, शैम्पू और बॉडी वॉश। जी हाँ, हमें अपने आप को हाइजीन रखने के लिए ये हमें अपने बाथ टाइम पे यूज करना इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे मेन्स हो या वुमेन यानी कि फीमेल हो। तो हमें अगर आप फीमेल हैं तो आपके ग्रूमिंग किट में ये चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड वन, आई जेल। जी हाँ, फीमेल अपने आई को लेके यानी अपने आंखों को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं, उन्हें अपनी आंखें बहुत पसंद होती हैं, हालांकि मेंस को भी उनकी आंखें बहुत पसंद होती हैं, तो जिस वजह से उन्हें आई जेल भी अपने ग्रूमिंग किट में ऐड करना चाहिए, रखना चाहिए। थर्ड नंबर पे जो फीमेल ग्रूमिंग किट में आता है वो है रेजर और सेफ जेल। जी हाँ, रेजर और सेफ जेल भी होना वुमेन ग्रूमिंग किट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो अपने अनचाहे बाल जो भी आ जाते हैं शरीर पर उन्हें हटा सकें। फोर्थ नंबर पे जो फीमेल ग्रूमिंग किट में आता है वो है बॉडी ऑयल। जी हाँ, बॉडी ऑयल इसलिए भी यूज होता है ताकि नरिशमेंट मिल सके आपकी बॉडी को, और इसलिए भी यूज में आता है ताकि आपकी बॉडी जो पेन, दिन भर का पेन कैरी करती है, उससे उसको रिलीफ मिल सके। फिफ्थ वन, बॉडी स्क्रब। जी हाँ, फीमेल ग्रूमिंग किट में बॉडी स्क्रब भी आता है। जैसे हम अपने फेस के लिए स्क्रब यूज करते हैं, उसी तरह फीमेल में बॉडी स्क्रब भी होता है जो कि बॉडी में, बॉडी के लिए यूज किया जाता है। तो मेक श्योर आप इसे भी अपने ग्रूमिंग किट में इन्वॉल्व करें। सिक्स्थ वन, ट्वीजर। जी हाँ, ये एक चिमटी के आकार का होता है, जिससे कि आप अपने आईब्रोज के बाल और आपके जो फेशियल हेयर्स आ जाते हैं उसे रिमूव करने में ये हेल्प करता है। तो मेक श्योर इसे भी आप अपने ग्रूमिंग किट में इन्वॉल्व करें। सेवेंथ वन, डिओड्रेंट। जी हाँ, डिओड्रेंट या परफ्यूम आपको यूज करना चाहिए जब आप कहीं बाहर जाओ पब्लिक प्लेस में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तब आप इसे यूज कर सकते हो, ताकि आप आपके अंदर से एक अच्छी स्मेल आए और एक फ्रेग्रेंस बनी रहे। तो मेक श्योर आप डिओड्रेंट या परफ्यूम को भी अपने ग्रूमिंग किट में इन्वॉल्व करें। एट्थ वन, जी हाँ, अगर आपकी आपके होंठ, आपके लिप्स ज़्यादा फटते हैं या फिर वो उतने बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो आपको अपने ग्रूमिंग किट में एक लिप बाम भी जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। जी हाँ, इससे आप दिन में दो बार तीन बार अगर अप्लाई करते रहेंगे तो आपकी लिप्स की नरिशमेंट बनी रहेगी और वो ड्राई नहीं दिखेंगे। नाइन्थ वन, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर। जी हाँ, ठंडियों में मॉइस्चराइजर और गर्मियों में सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फीमेल्स के लिए, क्योंकि वो अपने मेकअप में ज़्यादा अपने मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि वो कभी ठंडियों में ड्राई दिखें और गर्मियों में उनकी स्किन डैमेज हो। तो इसलिए ठंडियों में आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें और गर्मियों में सनस्क्रीन। तो ये थी फीमेल ग्रूमिंग किट एसेंशियल चीज़ें। जी हाँ, ये सारी एसेंशियल चीज़ें आपको अपने ग्रूमिंग किट में इन्वॉल्व करनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं या चाहते हैं कि आपको ऐसे ग्रूमिंग के आइडियाज़ और ऐसे हेल्थ और ब्यूटी के टिप्स मिलते रहे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।